कांग्रेस ने संसद में केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के बाद शुक्रवार को मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है और आरोप लगाया है कि यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं और संविधान की मूल भावना पर आघात कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत शर्मा ने यह भी कहा है कि यह सरकार प्रजातंत्र और संविधान के जश्न के आयोजन में विपक्ष का सम्मान नहीं करती है और संसदीय लोकतंत्र का अपमान करती है। कांग्रेस ने कहा कि यही कारण है कि कई विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम से अलग रहने का फैसला किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद संविधान दिवस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता शर्मा ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्ष की आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं था। कांग्रेस और अन्य मुख्य विपक्षी दल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। भाजपा की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचा रही है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की मूल भावना पर आघात कर रही है। आनंद शर्मा के मुताबिक 2 साल पहले भी यही स्थिति पैदा हुई थी और हमने विरोध दर्ज कराया था। हमारी अपेक्षा थी कि सरकार सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान देगी। उन्होंने कहा कि हम संविधान और राष्ट्रपति का सम्मान करते हुए कहना चाहते हैं कि अगर प्रतिपक्ष के नेताओं और विपक्षी नेताओं को प्रजातंत्र या संविधान के जश्न के आयोजन में शामिल नहीं किया जाएगा और सिर्फ दर्शकों की तरह ही बुलाया जाएगा तो यह हमें स्वीकार नहीं है। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी का विपक्ष की आलोचना करना सही नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार कोई अवसर नहीं छोड़ती है कि संविधान और संवैधानिक परंपराओं को दबाकर निर्णय लिया जाए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।